नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि मारवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी एडीजी कानून व्यवस्था का विवादित बयान सामने आया है। एडीजी अनंत कुमार ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि कांवड़ के समय पर अपराध कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ के समय पर अपराध कम हो जाता है। समाचार प्लस इस पर कई सवाल भी उठा रहा है। सवाल ये कि क्या अपराध कम होने पर कोई आंकड़ा पेश करेंगे एडीजी, और ऐसा बयान देकर किसको टारगेट कर रहे हैं एडीजी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार समाचार प्लस सवाल भी खड़े कर रहा है, क्या एडीजी का ऐसा बयान कांवड़ियों का अपमान नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एडीजी कानून व्यवस्था का विवादित बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथ महेंद्र आनंदगिरी जुड़ चुके हैं, जो कि महंत है बड़े हनुमान मंदिर के। सर, ये बयान सामने आया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का। उनका कहना है कि जब से कांवड़ मेला शुरू होता है तब से क्राइम रेट यूपी में कम हो जाता है। आपका क्या विचार है इस पर? बहुत धन्यवाद आपका। ये एक मित्र का बयान है जिसका कोई सिरपेर नहीं है, पर फिर भी अगर वो ये सोचते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान क्राइम रेट बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि इन्हें पूरे साल भर के लिए कांवड़ को आधिकारिक कर देनी चाहिए और इन सब अधिकारियों को भी कांवड़ लेके चलना चाहिए, ताकि क्राइम रेट सही में कम हो जाए। इस प्रकार से बयान जो देखिए सिर्फ चाटुकारिता की जा सकती है। हो सकता है कि उनका अपना कोई मोटो किसी नेता या मंत्री के साथ संबंध बनने के लिए हो, बाकी ऐसा नहीं है। और कांवड़ एक आध्यात्मिक और बहुत स्पिरिचुअल यात्रा है, जिसको पूरी दुनिया भाव और भक्ति के साथ करती है। और क्राइम एक ऐसी घटना है जो मनुष्य की मनोदशा और परिस्थिति को देख करके की जाती है। तो एडीजी जैसे अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए और ऐसे अधिकार देने, ऐसे बयान देने से सोचना चाहिए कि क्या वो सरकार की छवि को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। रही बात हिंदुओं की, तो हिंदू अपने आप में वो एक कौम है जिसको पूरी दुनिया प्रेम करती है, न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया से प्रेम करती है। शांति का दूत माना जाता है दुनिया भर में, और जहाँ हिंदू सबसे अधिक है वहाँ सबसे अधिक शांति है, वहाँ सबसे अधिक प्रेम है। तो इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ के ना देखा जाए, और न ही इस प्रकार के बयान से इस प्रकार का द्वेष उत्पन्न करने की कोशिश की जाए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा धार्मिक प्रदेश है, और सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा
निवास है जहाँ मुसलमानों की संख्या भी बहुत है, हिंदुओं की संख्या भी बहुत है, क्रिश्चियन भी बहुत है, भाईचारे के साथ सब रहते हैं। पिछली कई सरकारों ने इस प्रकार के कृत्यों के कारण दंगों की घटनाएं बढ़ती है, पर अब हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, उसके लिए ऐसे बयानों को न दिया जाए, अपितु भाईचारे के और मानवतावादी विचारधारा की शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि ऐसे बयान देकर लोगों को भड़काना चाहिए। जी बिल्कुल, क्या आप ये नहीं सोचते कि इन्होंने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं कांवड़ियों की भावनाओं पर अपमान भी है ये? क्या वो जो कांवड़ियों का जब समय शुरू होता है, कांवड़ मेला जब शुरू होता है, क्या ये अपमान नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये स्थिति एक व्यक्ति के द्वारा बोलने पर किसी का कोई अपमान नहीं होता। हम भगवान शंकर के भक्त हैं, भक्ति में कोई अपमान या मान की बात नहीं है। पर हाँ, ऐसे बयानों से अराजक तत्वों को ये फेंक देना चाहते हैं, ऐसे बयानों से सिर्फ एक तबके को ये उकसाना चाहते हैं, तो वो गलत है। बड़े अधिकारियों को बहुत सूझबूझ के साथ बयान देने चाहिए ताकि समाज में सौहार्द, प्रेम, उल्लास का उत्सव बने, न कि कोई घटनाक्रम करे। जी बिल्कुल, आपका क्या मानना है कि जो बयान सामने आया है ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? इनका कहना है कि जब से कांवड़ मेला शुरू होता है तब से क्राइम रेट, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में क्राइम रेट कम होता है, और एक दो साल से नहीं, कई वर्षों से क्राइम रेट कम होता जा रहा है कांवड़ मेले के दौरान। क्या लगता है आपको, किस ओर इशारा है इनका? किस दशा में या किस अवस्था में रहे होंगे, पर वो उनका जो उद्देश्य एक शब्द में जो समझ में आ रहा है वो उचित नहीं है। ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं और योगी सरकार से मांग भी करते हैं कि इतने बड़े जिम्मेदार पदों पर किसी को बिठाने से पहले चिंतन करना चाहिए कि वह व्यक्ति उस पद पर बैठने योग्य है या नहीं है, ताकि देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले और भाईचारे का माहौल बने, न कि एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना उत्पन्न हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा बयान यहां पर सामने आ रहा है, तो हम लगातार समाचार प्लस भी सवाल भी यहीं खड़े कर रहे हैं कि क्या ऐसे बयान देकर किसको टारगेट कर रहे हैं एडी जी? तो हमारे साथ सुरेश जुड़ चुके हैं जो कि दर्शक हैं। सुरेश जी, बयान सामने आ रहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, उनका कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान लगातार यूपी में क्राइम रेट कम होता जा रहा है, आपकी क्या राय है इस पर? क्या आप सुन पा रहे हैं सुरेश जी हमें? एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवल किशोर दास, क्या राय है आपकी सर इस बयान को लेकर? देखिए, है जितने बरस तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार का बयान सामने आया है, विवादित बयान यहां पर उनका सामने आया है। उनका कहना है कि क्राइम रेट कम हो जाता है कांवड़ मेले के दौरान, और खास करके यूपी में कांवड़ के टाइम पर क्राइम रेट कम हो जाता है, और एक दो साल की नहीं कई वर्षों की ये बात है। लगातार समाचार प्लस भी यही सवाल उठा रहा है। हमारे साथ नवल किशोर दास जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष है महंत महासभा के। सर, ये बयान सामने आ रहा है जहां पर उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार क्राइम रेट कम हो जाता है कांवड़ मेले के दौरान, क्या राय है आपकी इस पर? नहीं, मैंने कहा नहीं, इस प्रकार का बयान देना इतने वरिष्ठ अधिकारी को मुझे लगता है बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। सोच समझ के कहना चाहिए, जितने लोग आ रहे हैं वो श्रद्धालु हैं, कोई चोर चपट्टे नहीं है, कोई डकैत नहीं आ रहे कांवड़ लेने के लिए। जो लोग 100-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं वो कोई डकैत है क्या? इस तरह के बयान मुझे लगता है कि आधारहीन है और इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांवड़ियों का अपमान है ये? नहीं, इससे कांवड़ियों में पूरे हिंदू समाज का और सभी भक्त समाज का अपमान है। इस तरह का इतने वरिष्ठ व्यक्ति को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। हम इस बयान की पूर्ण रूप से असर व्यक्त करते हैं। जी बिल्कुल, नवल जी, क्या लगता है आपको, किस ओर इशारा है उनका जो उन्होंने इतनी बात बड़ी बात कही है कि कांवड़ के टाइम पर हो जाने? नहीं, उनका इशारा किधर है वो तो वो जाने, पर हम इस जान से बिल्कुल सहमत हैं कि कांवड़िया के कारण चोरी चपाटी कम हो जाती है। अभी हरिद्वार में कई लोग पकड़े गए जो भोले के भेष में थे, परंतु हिंदू भी नहीं थे, उनका कांवड़ से कोई लेना देना ही नहीं था, वो केवल चोरी करने के लिए कांवड़ का भेष पहन रहे थे। ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो सिर्फ भक्त आ रहे हैं, जो हजारों किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, वो चोर हैं क्या? इस तरह के जवाब नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लगातार समाचार प्लस भी सवाल उठा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। यूपी एडीजी कानून व्यवस्था का विवादित बयान सामने आया है और लगातार हम भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये कांवड़ियों का अपमान नहीं है और ऐसा बयान देकर आखिर किसको टारगेट कर रहे हैं एडीजी। उनका कहना है कि कांवड़ के समय पर अपराध कम हो जाता है, तो क्या एडीजी एक पूरा चार्ट पेश करेंगे या आंकड़े पेश करेंगे कि क्राइम कितना कम हो रहा है और आखिर किस समय पर कितना कम हो रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एडीजी आनंद कुमार ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है, तो ऐसा बयान देकर आखिर किसको टारगेट कर रहे हैं एडीजी। लगातार समाचार प्लस भी सवाल खड़े कर रहा है, क्या एडीजी का ऐसा बयान कांवड़ियों का अपमान नहीं है? अगर इतने ऊंचे अधिकारी ऐसा बयान दे रहे हैं तो आखिर वो कैसा मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में? कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी एडीजी कानून व्यवस्था का विवादित बयान सामने आया है। एडीजी आनंद कुमार ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि कांवड़ के समय पर अपराध कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ के समय में अपराध कम हो जाता है। लगातार इस पर समाचार प्लस भी कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या अपराध कम होने पर कोई आंकड़ा पेश करेंगे एडीजी, और क्या ऐसे बयान देकर आखिर किसको टारगेट कर रहे हैं एडीजी? क्या एडीजी का ऐसा बयान कांवड़ियों का अपमान नहीं है? चलिए अब आपको सुनाते हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा। एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ। एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कह लीजिए कि कांवड़ के टाइम में, पिछले एक साल की दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वर्षों की बात कर रहा हूँ, कि कांवड़ मेले के टाइम में थोड़ा क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ता है, क्राइम बल्कि कई चीजों में घट जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको, तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आलोक पांडे जुड़ चुके हैं। आलोक, ऐसा बयान सामने आ रहा है और अगर ऐसे ऊंचे अधिकारी ऐसा बयान देंगे तो आखिर क्या सोसाइटी में क्या मैसेज स्प्रेड होगा? देखिए बिल्कुल सृष्टि, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि सावन का महीना चल रहा और इस तरीके का विवादित बयान, वो भी एडीजी एलओ के द्वारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है पुलिस महकमे की, अगर बात किया जाए उनके पास पूरा चार्ज होता है लॉ एंड ऑर्डर का, और उनका ये बयान कि ये जो बयान उन्होंने दिया है कि कांवड़ यात्रा में क्राइम कम हो जाते, कहीं ना कहीं इशारा जो है उनका वो एकदम साफ समझ में आ रहा है। और यही नहीं, तो सबसे बड़ी बात सृष्टि यहाँ पर ही, अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी थोड़े दिनों पहले, अगर बात किया जाए तो मेरठ के आसपास हेलीकॉप्टर से यात्रा करके कांवड़ियों पे फूल बरसाए थे, और उनके फूल बरसाने के बाद एडीजी एलओ का ये बयान कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक बयान है। और आपको बता दें, कांवड़ यात्रा पे लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति जो होती है वो हमेशा गर्माई रहती है, और ये बयान निश्चित ही बात है कि अभी थोड़ी ही देर बाद सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं भारी हड़कंप मचाने जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने। साथ ही आलोक, सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कांवड़ियों की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचा रहे एडीजी आनंद कुमार इन बयानों के साथ साथ, और क्या ये बयान अपमान नहीं है कांवड़ियों का? बिल्कुल देखिए सृष्टि, कहीं ना कहीं जो कांवड़ियों की जो भावनाएं हैं वो इससे जरूर आहत होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी जो कि आनंद गिरी थे, उनकी बात जब वो हमारे चैनल पे थोड़ी देर पहले फोनों पे लाइव थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुत ही पवित्र ये यात्रा होती है, इसका बहुत ज्यादा हिंदुओं
हिंदू सभ्यता में इसका सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और इस तरीके का बयान उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी न किसी राजनीतिक तरीके से प्रेरित होकर दिया गया है। ये बयान उनका साफ तौर पे कहना था कि ये बयान सोच समझ के दिया गया बयान है। और ये जो विवादित बयान उन्होंने साफ तौर पे अगर बात किया जाए जो आनंद गिरी है उन्होंने इस बयान को कहा, हालांकि ये बागामबरी पीठ के वो एक पीठाधीश्वर भी माने जाते बड़े एक महान है आनंद गिरी और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल गंभीरता से लिया। और निश्चित से वही बात जो सृष्टि बार बार कह रहे हैं कि पवित्र यात्रा पे इतना गलत बयान, कानून व्यवस्था से जुड़े सबसे बड़े अधिकारी डीजी लॉ एंड ऑर्डर का ये बयान निश्चित सी बात है बहुत ही अफसोसजनक बयान है। जहां एक तरफ सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लड़ रही है, वहीं पर ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद ही शर्मिंदा। बिल्कुल आलोक, हमारे साथ कई महंत जुड़े, सबका यही कहना है कि बेहद आपत्तिजनक बयान है ये जो सामने आया है। साथ ही महंत आनंद गिरी का ये भी कहना था कि अगर कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ के टाइम पर अगर कम हो जाता है अपराध तो क्यों नहीं पूरे साल में ही कांवड़ मेला चलाना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है संयोग की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जब कांवड़ यात्रा होती है अपराध कम हो जाता है तो उसका साफ तौर पर कहने का मतलब यह है कि अपराधी कांवड़ उठा के यात्रा पे चले जाते हैं जिसके कारण अपराध कम हो जाता है। चीज का मतलब निकालेंगे और इसी चीज को पकड़ के आनंद गिरी ने साफ तौर पे कहा अगर ऐसा है बिल्कुल कांवड़ यात्रा को बिल्कुल। आलोक जी आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल हमारे साथ कई दर्शक जुड़ रहे हैं जो कि अपने राय रखना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर देव गुप्ता जुड़ चुके हैं मैनपुरी से, क्या राय रखना चाहेंगे देव जी आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? इस तरीके का माहौल जो खराब करने वाले अधिकारी हैं जी, ये हमारे प्रदेश में जो विशेष समुदाय को, हेलो जी आप सुन पा रहे मुझे? हाँ जी, ये माहौल खराब करने वाले आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी इस तरीके का बयान देते हैं, इन चीजों से इन लोगों को ये भी नहीं लगता है कि हमारे देश में हमारे प्रदेश में अराजकता फैलेगी। जी बिल्कुल, ध्यान में रखते हुए इन लोगों को जी बिल्कुल आपका कहना है कि इस ऐसे बयान से अराजकता फैलेगी प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ मोतीलाल जी जुड़ चुके हैं, क्या राय रखेंगे मोतीलाल जी इस पूरे विषय को लेकर? हमको ये समझ में नहीं आ रहा जी, एडीजी कहना कहा चाहते हैं हमारा बचुआ जो लेन के लिए गया कि वो गलत है का? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पार्वती जी जुड़ चुकी हैं नोएडा से, क्या राय रखेंगी इस पर? बहुत बड़ा बयान यहाँ पर उनका सामने आया है, क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एडीजी इतने विवादित बयान लेकर कहना क्या चाहते हैं? ये हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं कि मतलब कांवड़िया के टाइम पे कम घटनाएं हो रही है? क्या मतलब है कि कांवड़िया मतलब हिंदू जाते हैं वहाँ तो मतलब हिंदू घटनाएं करते हैं? जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पार्वती जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं राहुल। राहुल क्या क्या सोचते हैं आप इस पूरे बयान को लेकर? क्या आपको नहीं लगता बेहद आपत्तिजनक बयान है जो सामने आ रहा है? तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, विक्रम कुमार जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। विक्रम क्या सोचते हैं आप इस बयान को लेकर? तमाम लोगों का कहना है कि बेहद आपत्तिजनक बयान है जो सामने आया है। कुछ जानना चाहते हैं तुम्हारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो चीफ आलोक पांडे जुड़े हुए इसी खबर पर। आलोक हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े, सभी का कहना है कि आखिर क्या कहना चाहते हैं एडीजी ऐसे बयान देकर, क्या राय देना चाहते हैं, क्या समाज में क्या ऐसा मैसेज वो फैलाना चाहते हैं ये राय देकर? तमाम दर्शकों का यही कहना है कि बेहद आपत्तिजनक बयान है ये। देखो देखिए सृष्टि, जो सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से दर्शक अपनी राय रख रहे हैं उससे साफ तौर पे एडीजी के तो लगातार समाचार प्लस भी यही सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसे बयान देकर आखिर किसको टारगेट कर रहे हैं एडीजी। हमारे साथ तमाम दर्शक भी जुड़े, सबका यही कहना है कि बेहद आपत्तिजनक बयान है जो ये सामने आ रहा है। तो यूपी एडीजी कानून व्यवस्था का बयान सामने आया है, विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और अलग अलग दर्शक अपनी राय रख रहे हैं।
तो हमारे साथ सुभाष पांडे जुड़ चुके हैं दर्शक। सुभाष, क्या राय रखते हैं आप, क्या सोचना है आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर? क्योंकि जो बोल रहे हैं 15-16 साल में इतना क्राइम नहीं हुआ, मतलब कम होता है, तो इसका यही है कि कारण इनको ये सीधे टारगेट काउंट भी किया जा रहा है मैडम, कि वही ये अपराध करते हैं करके, इसका भी सीधा यही है जी हिसाब से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बाराबंकी से आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या सोचते हैं आप इस बयान को लेकर, क्या राय है आपकी? जी मैम, हम लोग कांवर लेके खुद जाते हैं तो इसका मतलब हम लोग दंगा फैलाते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का यही कहना है। और सुन लीजिए जी मैम, हेलो जी, हेलो जी, बिल्कुल आशुतोष, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम लोग खुद कांवर लेकर जाते हैं। तो तमाम दर्शकों का यही कहना है कि अगर वो कावड़ लेकर जाते हैं तो क्या वो दंगे फैलाते हैं? तो बेहद आपत्तिजनक बयान सामने आया है आनंद कुमार का, और लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। सबका यही कहना है कि आखिर इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं। यह वक्त हो गया एक ब्रेक का, अब बने